अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। गैरसैंण में बनेगी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन नई राजधानी, अधिसूचना जारी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह बोले, ऐतिहासिक दिवस। उत्तराखंड राज्य को नई राजधानी मिल गई है। सोमवार को राज्य सरकार ने भराड़ीसैंण गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी कर दी। इसी साल 4 मार्च को इसकी घोषणा की गई थी। चमोली जिले में भराड़ीसैंण गैरसैंण को दूसरी राजधानी बनाए जाने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, यह 125 करोड़ उत्तराखंडियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि हमने 2017 के आम चुनाव में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का वादा किया था, जिसे अब पूरा किया है। सीएम ने भरोसा दिलाया कि इससे क्षेत्र का बुनियादी विकास होगा, जिसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने ई विधानसभा पर जोर देते हुए कहा कि गैरसैंण को आदर्श पर्वतीय राजधानी बनाएंगे। उन्होंने और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। फिर एक ऐतिहासिक दिवस है, जैसे गैरसैंण में 4 मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की थी और आज उसका विधिवत शासनादेश हो चुका है। और उत्तराखंड की जनभावनाएं और तमाम वो लोग जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं और उनके अलावा भी तमाम लोगों ने उस समय बहुत खुशी जाहिर की थी इसमें, चाहे पत्रकार हों, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी उस निर्णय पर बहुत बधाई दी थी। तो आज मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन सब की इच्छा आज पूर्ण हो चुकी है। उत्तराखंड में ऐसे समय में जब कोरोना जैसी महामारी से सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं, चिंतित भी हैं, तो उसमें ये खबर उनको सुकून देगी। देखिए, इसके परिणाम तो दीर्घकालिक होंगे और राज्य के भविष्य को, राज्य के चाहे विकास की यात्रा होगी, ये लंबे समय तक, या हम ये कहें कि उत्तराखंड राज्य के भविष्य पर इसकी सदैव छाया पड़ती रहेगी और लोग उसको महसूस करते रहेंगे। देखिए, रोजगार के जो आयाम हैं वो तो आज भी हैं, लेकिन हाँ, अब उसका जो प्रभाव होगा, जो उसका असर होगा, वो और व्यापक होगा और जो लोग दूरस्थ क्षेत्रों में हैं उनके लिए पहुंच बनाना थोड़ा आसान भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।